हमारा बहुत अच्छा अभियान चल रहा है जी। हल्के में सबसे शिक्षित जी, सबसे समझदार जी, ज्यादा पढ़ा लिखा जी, और जनता की सेवा करने वाला राजवीर फौजी से बढ़िया कैंडिडेट हमारे सफेदों में नहीं है जी। सभी लोग पूरे हल्के वासी जितने भी हैं उनकी तमन्ना है कि एक शिक्षित और समझदार आदमी आए और हल्के की उन्नति करे जी। अभी बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज की कोई पंचायत हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता पार्टी की सब अफवाहें हैं जी। ब्राह्मण समाज जो है काफी दिन से हमारे राजवीर के साथ है, 36 जात इसके साथ है जी। ये तो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, पहले कुछ अफवाहें उड़ी थी, अगर राजवीर जी जो है बैठेंगे जी। आज तक नहीं बैठे, आज आखिरी शो है, आपने ये जनता का माहौल देख लिया होगा, कम से कम 10 किलोमीटर का जो ये कपला था जी। लोगों का लोगों में उमाह है तो भाई इससे निर्दलीय प्रत्याशी को हमें बना करके अपने चंडीगढ़ भेजेंगे और अपने हलके की सेवा करवाएंगे। राजवीर शर्मा जी ने आज रोड शो किया है, अभी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं जी। कितना उत्साह है युवाओं में? युवाओं में उत्साह आप देख रहे हैं, आपके टीवी में आप चैनल से देख लो भाई कितना उत्साह। कम से कम 12 किलोमीटर का शो था जी। और जिसमें बढ़ चढ़कर युवा का जोश, बूढ़ों का जोश, जो आप सब देख रहे हैं जी। और इसमें कहने की बात ही नहीं है, आप खुद देखो जी। और रही बात आपकी, अभी आपने कहा ब्राह्मण समाज ने, ब्राह्मण समाज जो ये भ्रमित कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, ब्राह्मण समाज के सभी जातियों को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि राजवीर शर्मा समर्थन कर रहा, किसी का समर्थन नहीं कर रहा। एक तरफा जीत करके चंडीगढ़ जाएगा, हेलीकॉप्टर से फौजी का चंडीगढ़ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो कहीं ना कहीं आप जातीय समीकरणों को नकार रहे हैं? बिल्कुल, हम किसी एक जाति के साथ नहीं, हम 36 बिरादरी के साथ चल रहे हैं। फौजी जब फौज में लगता है वो जात देख के नहीं लगता, जब वहाँ पे बॉर्डर पे गोली लगती है कोई जात देख के नहीं लगती जी, जी, जी। जब वहाँ पे एक एक थाली में एक पतीले में बैठ के खाते ना, वो 37वीं बिरादरी हो जाती है। और ये फौजी उस 37वीं बिरादरी का एक बंदा है और ये हेलीकॉप्टर जीत के चंडीगढ़ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। भाई साहब इसमें ना कोई एक बिरादरी का रोल है, ना किसी में पांचाल समाज से हूँ भाई साहब, इसमें तन मन धन के साथ लगे हुए हैं भाई साहब। जो देश की सेवा करेगा ना जनता उसी के साथ लगेगी। इन्हें लटर बटुआ ने सिस्टम खराब कर रखा है, कभी कोई सी पार्टी में, कभी कोई सी पार्टी में, कभी कोई सी पार्टी में, जनता बिकाऊ बना दी भाई साहब, बिल्कुल बिकाऊ बना दी जनता। अरे एक मतलब जो भी आदमी है वो समझदार है, सब रोटी पानी खावे, सोचने का विचार रखे हैं जी। तो अब की बार उसी को बनाएंगे सफेदों में, जो देश की सेवा करेगा और जो इसके लायक होगा भाई साहब जी, बस उसी को बनाएंगे जी। बड़े सारे देखिए भारतीय जनता पार्टी देश सेवा और देशभक्ति के नाम पर बड़ा वोट बटोरने का काम करती है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, पार्टी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आदमी देखा जाए, उम्मीदवार देखा जाता है हमारे द्वारा, तो बाकी समझ है पब्लिक की। और उसके साथ राजवीर शर्मा जी के साथ फौजी साहब के साथ लगी हुई है, उम्मीदवार का ऊपर से कोई चक्कर नहीं है, जो नीचे अच्छा उम्मीदवार है जो बढ़िया काम करेगा और देश की सेवा करेगा भाई जी। तो आपका कहना है कि राजवीर शर्मा जी वो उम्मीदवार हैं हाँ, जो हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करें? जनता की आवाज़ क्या भाई साहब, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक राजवीर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हरेक की भावना समझते हैं, हरेक तकमा आ गया इसमें, जो भी है कास्ट का भी आ गया, उम्र का भी आ गया, सब आ गया इसमें, मतलब सभी के साथ जमीनी सतर से जुड़े हुए हैं राजवीर शर्मा जी, इन्हीं के साथ सारी टोपी पहनी है आपने। हाँ भाई साहब, कितना प्रभावित है इंडियन आर्मी? बहुत प्रभावित हैं। तो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का आपका विचार है? विचार है जी। तो राजवीर शर्मा जी से किस तरह से प्रभावित है? राजवीर शर्मा बहुत अच्छा इंसान है और समाज सेवी है और इंडियन नेवी से रिटायरमेंट है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। इंडियन आर्मी की कैप पहनी है सर, कितना प्रभावित है इंडियन आर्मी से? इंडियन आर्मी के लिए तो जो देश की रक्षा कर रहा है उसको पहले तो सलूट है जी। और ये जो अनपढ़ आदमियों को टिकट दे रखी है जी। आप पूछ रहे थे, एक व्यक्ति से पूछ रहे थे कि ये बीजेपी ये है वो है, बीजेपी चलो बढ़िया पार्टी थी, मोदी को सबने वोट दिया, हमने वोट दी, लेकिन बीजेपी ने नीचे तो देखो किसको वोट दी है, वोट किसको दे, टिकट देखो किसको दी है, चोर गुंडा, मतलब उस पर इतने केस चल रहे हैं, पता ही नहीं कितने केस चल रहे हैं। और राजवीर शर्मा फौजी आदमी है, उसका एक ही लक्ष्य है देश सेवा, और उन्होंने ना तो किसी की वो काट कर दे, भाई बीजेपी वाला न्यू है, कांग्रेस न्यू है, वो सिर्फ अपने बारे में बताते हैं कि हम क्या करेंगे जीत के, क्या करेंगे, और ना हमें समाज को किस लेवल पे लेके चलना है, उनकी नीति और
विचार बहुत अच्छे हैं। तो भारतीय सेना को इस बार विधानसभा में लाएंगे आप? अब की बार सिर्फ फौजी में या स्पीडो से फौजी सरकार ही बनेगी। प्रभावित लग रहे प्रभावित था भाई, तो फौजी साहब को इस बार विधानसभा ले जाएंगे? हाँ, पहुँचा दिया है, इसी के साथ है भाई। राजवीर शर्मा जी ने अभी एक बहुत अच्छा रोड शो किया है और अभी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या मानते हैं, किस पोजीशन पे हैं अभी? पोजीशन पे 50,000 की लीड से राजवीर शर्मा जीते हुए हैं जी, तो इसमें जीत आश्वस्त है जी। दूसरे नंबर पे किस उम्मीदवार को मानते हैं? दूसरे नंबर पे हमें नहीं पता दूसरे नंबर पे कौन आएगा, हम अपनी तरफ से जीत सुनिश्चित है। एक ही जगह फोकस है? एक ही जगह फोकस है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। किसको जिताने का विचार है? हमारा हेलीकॉप्टर राजवीर को विधानसभा में लेके जाएंगे। हाँ, चंडीगढ़ पे, लेकिन पार्किंग का बंदोबस्त नहीं है, सारा जगह हमारा हमारा राज हो जाएगा जी, अपनी जगह। और फिर 10 दिन हो गए नहीं, हम फिर नहीं करते यार, इसका गेला नहीं, तय दिल तो फिर लाग रहे हैं जी। फौजी आदमी कहते हैं कि मतलब सत्ता पलट देगा, फौजी पलटेगा पलटवाएंगे जमा बल्ले बल्ले है, ऊपर को गया नहीं पे मारे सोन अच्छे हो जी भी हो है। किस तरह का प्रचार चल रहा है अभी राजवीर शर्मा जी का? राजवीर शर्मा का बहुत अच्छा विचार है जी, छत्ती बिरादरी इसके साथ है जी, और एक नेक बंदा है जी, लेकिन यो सबको एक साथ जुड़ के चलने वाला बंदा, ना कि घर पड़ने वाला बंदा जी। आधे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्हें भाई भाई का लठ भुजवा दिया जी, और जो संसद में तो के बोलेंगे घर बोलना छुटवा दिया जी, एक बगड़ के दो बगड़ बना दिए, ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जी। लेकिन राजवीर ईसा है जो कि हरियाणा ने एक करना चाहा है। तो ये पंडित जी बटड़े हो रहे हैं और ये वतन संगारिया की वोट दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सब अपनी बरादरी के ऊपर, अरे कोई मरता है ये नहीं मरते, ये हमारे को बेच रहे हैं, हम इनको इसकी सुषमा नहीं आएंगे बकावे में। सारे पंडित हैं, सब राजवीर शर्मा की वोट देंगे, और ये सबका नेता है, छत्तीस बरादरी का नेता है, ये छत्तीस बरादरी की इसकी वोट है, सारे भाई तय दिल से राजवीर शर्मा को बनाएंगे और ये हल्के का विकास करेगा। देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज, और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।